अभी 2262 पे आते हैं सर कि आपने उसको इतना बेहतरीन बनाया, 100% डिजिटलाइज स्कूल मैं समझता हूँ सर पूरी भिवंडी में, प्राइवेट में भी नहीं है, जो आपने नगर पालिका के लिए करके। जी अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अगर 9 करोड़ का फंड मेरे पास होता तो मैं ऐसे 3 स्कूल खड़ी कर देता, इस पर आप क्या कहेंगे सर? भाई वो अभी एस्टिमेट बनाए मेरे से 9 करोड़ पे ले जाए। अगर वो देख रहे हैं तो वो सुन ले कि रईस भाई क्या जवाब दे रहे हैं, कि अगर आप एस्टिमेट बनाए 9 करोड़ रुपया सर देने के लिए तैयार है और आप 3 स्कूल बनाकर दिखाइए। देखिए एस्टिमेट बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, सब कुछ करने वाले गवर्नमेंट के लोग हैं, बल्कि उनसे जो भी नेता पता नहीं कौन कह रहे हैं, सरकार के पास पैसे नहीं थे बेंचेस वेंचेस के लिए, तो हमने मदद की। और देखिए बोलने के लिए हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता विद भाई। अभी ये फालतू सवाल का सवाल आपने पूछ लिया तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने एक स्पीच में बोला है, मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, तो मैंने बोला नहीं मैं पहुंचाऊंगा ये बात उन तक। जिनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता, जिन्होंने कभी एक एक क्लासरूम नहीं बनाया, वो अभी सवाल करते हैं। ऐसे सवाल पे आप भी तवज्जो मत दीजिए, हर चीज का जवाब देने बैठेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो मयार है, सोच का मयार है ना, उसके लिए ही मैं इन बातों का जवाब। अब इस बात का क्या आप जवाब देंगे, आपको पूछने के पहले सोचना चाहिए। तो लाइए ना, अगर वो बीजेपी के नेता है तो आपकी तो सरकार है, 9 करोड़ लाइए, 3 स्कूल बनाइए, हम तो बहुत खुश होंगे आपका, हम मुबारकबाद देंगे आपको। बीजेपी की नहीं हो, दूसरे लीडर है सर, दूसरे पार्टी के लीडर। पर ये लेवल है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेवल तो नहीं है, हालांकि उनको खुद समझना चाहिए वो चीजें, बट हमने पूछा इसलिए कि उनको ये बात का जवाब मिले कि वो जो इस तरीके से अगर उन्होंने पूछा है भरी सभा में कि अगर मेरे पास होता तो मैं 3 स्कूल बना देता, तो मैं बोला उनको उनको इस चीज का जवाब मिले। पता नहीं वो भाई साहब कौन है, लेकिन ऐसी चीजों को इग्नोर कर। 2262 का सर अभी ये जो मसला है कि उनके कहने के मुताबिक, जिन्होंने वो मिस्टर गदरे जो भी हैं, कि उनके कहने के मुताबिक कि जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं हुआ, इसके लिए उसको रोका गया ओपनिंग के, तो ओपनिंग के लिए, इस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए प्रोटोकॉल अगर फॉलो करने जाए ना सीएम साहब का टाइम लेना चाहेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। टाइम नहीं, वो कह रहे कि एटलीस्ट नाम तो होना चाहिए था, वहां पर नाम ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि भिवंडी शहर में एक भी प्रोग्राम प्रोटोकॉल से नहीं होता। छोटे छोटे बाजीनगर से जाके सीएम फंड लेके आते, सीएम मतलब सरकारी फंड लाते और ओपनिंग करते, हमको नहीं बुलाते। मैं कभी एतराज नहीं करता। कपिल पाटिल जी ने एमसीएच की ओपनिंग, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की ओपनिंग आके एक दिन में कर दी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, तो क्या मैं जाके झगड़ा करने लगा? एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर आदमी अपने, जो आदमी मेहनत करता है अपने अपने हिसाब से काम करता है। उनका कहना था कि हमने, उन्होंने कितनी ओपनिंग की, कितने सारे फंड लाए, कितने सारे काम किए, हमने कभी रोका नहीं उनको, इसी में हम लोगों ने क्यों रोका, क्योंकि वो एक शासन का फंड है, शासन की तरफ से बना है सारे फंड शासन, पर आपके आपका जो वो प्रेस नोट था सर, उसमें एक जगह पर शासन के फंड से लिखा हुआ है, एक तरफ नीचे लिखा हुआ है रईस शेख की निधि से, तो ये दो रईस शेख की एरिया डेवलपमेंट निधि भी लगी है उसमें। उसमें फंड एक खट्टा 9.5 करोड़ नहीं आया, पार्ट 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 पे आया। और ये है कि चुनावी चुनाव को देखते हुए एक मुस्लिम इलाके में जो काम चल रहा था, 2262 का जो हाइप हो गया, उससे डर के भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल की ओपनिंग की को रोकने का निर्णय लिया। देखिए मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, मुझे या आपको या भिवंडी शहर के किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद नहीं थी कि 2262 का इतना हाई हो जाएगा, हमने भी नहीं सोचा था। अब वो 2262 लोगों के जज्बात है, बाद में मुझे समझ आया कि वो एक इमारत नहीं है, लोगों की उम्मीद है, बच्चे बच्चियों की उम्मीद है, टीचर्स की उम्मीद है। कई लोग रोते रहे, पूरे इलाके के लोग उससे जज्बात से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जज्बाती चीज है। 2262 का बंद होना कितना तकलीफदेह था, तो वो 22, और मैंने भी इंसाफ किया, मैंने पहले वो स्कूल बनाई जो बंद हुई, और ऐसे नहीं कि 2262 पहले बनाने को लिया, मैंने 2262 के बाद 104 नंबर, 67 नंबर। आज बीपी की बात क्यों नहीं होती? अगर 2262 बंद हुई तो आज बीपी बंद हुई, तो आज बीपी को भी हमने फंड किया, आज बीपी बनी, डिजिटल बनी और सामने नई स्कूल की इमारत बनी। तालीम हमारी प्रायोरिटी है और हमने शहर से वादा किया है कि हर बच्चे को मुफ्त और मयारी तालीम दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, तो उसका एक हिस्सा है। ये भाई साहब ने, जो भी भाई साहब, मैं तो उनको जानता नहीं, उन्होंने इतना दबाव लाया कमिश्नर पे कि आप ओपनिंग कैंसिल करो। उनका मकसद सिर्फ राजकीयकरण था, और सिर्फ इसलिए कि उर्दू स्कूल और भी बहुत से अभी वो करने वाले हैं। उनका कहना है कि हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है ओपनिंग के प्रोटोकॉल से। हमने ये कहा ही नहीं कि आप स्कूल मत बनाइए या स्कूल चालू मत कीजिए। उनको प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर नाम होना चाहिए कि जिसके जरिए से फंड आ रहा है, जिसकी चीज़ें वहाँ पर आप उनका नाम बताइए कि भाई ये चीज़ें आई है, बस उनको उतना ही चाहिए था। या तो किसी बोले एरिया के बुजुर्ग के नाम से भी आप ओपनिंग कर सकते थे, भाई शेख का ही नाम क्यों साहब। जितनी ओपनिंग कपिल पाटिल जी ने किसके नाम से की, आज मोदी जी ओपनिंग कर रहे हैं आज मेट्रो के ऊपर, पूरे मुंबई में बीजेपी ने अपने बैनर लगाए हुए हैं। लाड़की बहना कौन बोलता है, सब लोग बोलते हैं ना, अपना काम तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, पब्लिक को कि हम करें। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, एकदम पॉलिटिकल था। और उनका एजेंडा क्या है मैं पूछता हूं कि आपका बीजेपी आरएसएस का एजेंडा क्या है। उसी दिन जो है एक नई बस्ती के स्कूल के अंदर डिजिटल क्लासरूम का ओपनिंग हुआ, किसने किया? मैं तो बोलूंगा, मैं फिर भी संतोष जी की इज्जत करता हूं कि कभी भी वो किसी चीज में डिस्टर्ब नहीं करते। और ये मेन जितने बीजेपी के लीडर है वो नहीं कर रहे थे, ये एक व्यक्ति कर रहा था जिसकी सोच आरएसएस की है, संतोष जी कर रहे थे। नई बस्ती का मैं आमदार हूं, मैंने आप जाकर किया कि मैं करूंगा भी नहीं। अच्छा एजुकेशन का मामला है, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं जाके वहां एतराज करूंगा कि कैसे हुआ, टीचर्स ने क्यों किया, कैसे पॉलिटिशियन आया। ये छोटी सोच के लोग करते। वही दिन में दोनों प्रोग्राम हुए ना, मैं चाहता तो एक उस प्रोग्राम के ऊपर ऑब्जेक्शन लेता कि भाई कैसे जा रहे संतोष जी, कैसे राजकीय लोग जा रहे हैं, कैसे वो ओपनिंग कर रहे हैं। कहने के मुताबिक भाई सरकार तो हमारी है ना, वहां पर वो स्टेट सीएम हमारा है, चीजें हमारी है। मैं हूं ना, अरे आप हैं, मैं संतोष जी के प्रोग्राम में बोल सकता था ना, पर क्यों बोलूं? वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना एक ओपनिंग कर रहे हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं? ये सिर्फ राजकरण था, प्योर पॉलिटिक्स थी। और ये पॉलिटिक्स जो होती है ना ये गंदी रहती है, एजुकेशन के अंदर कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए।